कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। कहते हैं कि मनुष्य क्या कुछ नहीं कर सकता, निश्चित तौर पर हमारे किसान भाई बहन बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब मशीनों का साथ हो जाता है तो कायाकल्प हो जाती है। यानी कि उसमें एक तो प्रगति अधिक होती है, समय की बचत होती है और साथ साथ गुणवत्ता भी अधिक हो जाती है। मशीनें और उपकरण किस तरीके से आपके सहयोगी हो सकते हैं और हो भी रहे हैं, इस बात को तो आप जानते ही हैं, लेकिन ये एक अवलोकन अगर कर लिया जाए कि किस तरीके से मशीनें आपका साथ निभा सकती हैं, तो निश्चित तौर पर आप ये जान सकते हैं कि इन मशीनों का साथ आप भी ले सकते हैं। जाहिर है कि कृषि में मशीनें और उपकरणें अपना विशेष योगदान देती हैं। देश में आई हरित क्रांति के मूल में जहां एक ओर बौनी किस्मों के बीज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वहीं दूसरी ओर मशीनीकरण का भी विशेष योगदान रहा है। गर्व का विषय है कि आज हमारे देश में खेत की तैयारी से लेकर बुआई, कटाई, गहाई, भंडारण, प्रसंस्करण आदि से जुड़े कितने ही उपकरण और मशीनें उपलब्ध हैं। यही नहीं, किसानों की सुविधा के लिए इनसे जुड़ी सरकार की किसान हितकारी योजनाएं भी सामने आ चुकी हैं और बहुत से किसान इनका लाभ उठा चुके हैं। भारत में हरित क्रांति की अगर हम बात करते हैं, जो कृषि के विकास में एक महत्वपूर्ण युग था, उसमें खासकर उन्नत बीज, रासायनिक खादें और मशीनों का उपयोग, ये तीन प्रमुख फैक्टर थे, प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से भारत में हरित क्रांति सफलतापूर्वक अपनाई गई और हमारा जो कृषि का उत्पाद है उसको कई गुना बढ़ा करके, जहां हम आयात करके अपना पेट भरते थे, उसकी जगह हमारा देश खाद्यान्नों के निर्यात करने की स्थिति में आ गया था। इसी विशेषता को देख करके मशीनों के ऊपर किसान भाइयों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कई तरह से सरकार मदद करने के लिए तत्पर है। और मदद किस तरीके से की जाती है किसानों को, जो जो हमारे नए कृषि उपकरण हैं, मशीनें हैं, चाहे वो छोटी हैं बड़ी हैं, किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है समय समय पर, कृषक महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है और फिर उसके बाद में जो उनके काम के औजार हैं, मशीन हैं, चाहे वो बागवानी करते हैं, अन्य फसलों की खेती करते हैं, किसानों की आवश्यकता के अनुसार क्षेत्र के हिसाब से जो उनको मशीन की ज़रूरत है उस पर अनुदान की व्यवस्था है। और अनुदान की अगर हम बात करते हैं तो ट्रैक्टर से लेकर के छोटे छोटे जो कृषि यंत्र हैं, जैसे कोनोवीडर, स्प्रेयर, डस्टर, इन सभी पर 25 से लेकर 50% तक अनुदान की सुविधा है। मान लो हम ट्रैक्टर की बात करते हैं तो किसान भाइयों को 45,000 रुपये प्रति ट्रैक्टर तक या 25% जो भी उसकी कीमत है उसके हिसाब से अनुदान की व्यवस्था है। पावर टिलर पर भी करीब 40-45 हज़ार रुपये की छूट है। पंप सेट चाहे डीजल का हो या बिजली का, किसान अगर लगवाते हैं और उस पर वित्तीय सहायता लेना चाहते हैं तो 10,000 रुपये तक उनको वित्तीय सहायता मिलती है। तो कहने का मतलब छोटे से छोटे कृषि यंत्र से लेके लैंड लेजर लेवलर तक पर अनुदान की सुविधा है। और मैं किसान भाइयों को हमेशा, जब भी कभी मेरी उनसे सीधे तौर पर बात होती है या किसी माध्यम से, चाहे दूरदर्शन हो, रेडियो हो, हम यही निवेदन करते हैं कि निश्चित तौर पर आपके क्षेत्र के लिए आप जो भी फसल उगाते हैं, चाहे बागवानी हो या अन्य फसलें हों, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके और आप मशीनों को अवश्य अपनाएं, क्योंकि आज गाँव में दूर दराज के क्षेत्रों में भी मजदूर उपलब्ध नहीं है। और मजदूर मान लो मिलते भी हैं तो वो काफ़ी महंगे मिलते हैं, क्योंकि नरेगा जो योजना है उससे किसान भाइयों को गांव में, दूर दराज के क्षेत्रों में, जहां कल तक रोजगार के साधन नहीं थे वहां पर उनको रोजगार मिल रहा है और अच्छे पैसे मिल रहे हैं। इसलिए बहुत आसानी से कृषि के लिए आने वाले समय में, फिलहाल भी अभी उनको मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं और मजदूरों को अगर रखते भी हैं तो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर कम से कम मजदूरों को लगाने की ज़रूरत पड़ती है अगर हम कृषि यंत्रों का सही तरीके से उपयोग करें। और उन कृषि यंत्रों पर खरीदने पर जो लागत आती है, अगर हम सरकार की योजना के तहत उनको खरीदते हैं तो अनुदान जो उन पर मिलता है 25-50% तक, उसका लाभ अवश्य उठाएँ। और बड़ी जो कई मशीनें हैं जो बहुत महंगी हैं, उनको एक अकेला किसान मान लो नहीं खरीद सकता, क्योंकि आमतौर पर हमारे यहाँ 70% तक किसान ऐसे हैं जो मझले या सीमांत या लघु किसान जो हम कहते हैं, तो वो बहुत बड़ी मशीनें नहीं खरीद सकते, उपयोगिता भी उनके यहाँ उतनी नहीं होती। इसे एक समूह बना करके और उन मशीनों को खरीद करके
और दूसरे किसानों को भी वो किराए पर दे सकते हैं और उसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं, जैसे लैंड लेजर लेवलर है, जीरो टिलेज है, इस तरीके की कई मशीनें हैं जिनको वो उपयोग में ला करके पानी की और दूसरे जो इनपुट हैं उनकी बचत कर सकते हैं। लैंड लेजर लेवलर तो बहुत ही उपयोगी मशीन है, इससे आप खेत को पूरी तरह से समतल कर सकते हैं और फिर जो भी कृषि क्रियाएं हैं, चाहे सिंचाई की व्यवस्था वाली बात हो, उन सब पर काफ़ी बचत की जा सकती है। तो मेरी हमेशा यही किसानों से गुजारिश होती है कि कृषि से संबंधित नवीनतम जो यंत्र हैं, कृषि औजार हैं, उपकरण हैं, उनको वो अवश्य उपयोग में लाएं और समय समय पर इन औजारों से परिचित कराने के लिए किसान भाइयों के लिए कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं उनके द्वारा और केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिल करके कृषि मेलों का आयोजन किया जाता है। बड़े बड़े कृषि मेलों में इन औजारों को प्रदर्शित किया जाता है, इनको चला करके किसानों को दिखाया जाता है, जिससे वो उनको ठीक से उपयोग में ला सकें और अपने कम लागत से, कम मेहनत से, कम मजदूरों से अपनी जो कृषि है उसको ज़्यादा लाभकारी बना सकें। धरती में पसरा नन्ना बीज जब अंकुरित हो अंगड़ाई लेता है तो जन्म देता है पूरी की पूरी फसल को। यही फसल यदि उपचारित बीज से तैयार हो तो वह गुणवत्ता में बेहतर होती है, साथ ही उस पर कीट व्याधियों का भी असर नहीं होता। निश्चित तौर पर बीज की जांच और उससे जुड़े अन्य पहलुओं में भी उपकरणों का विशेष योगदान है। बीज फसलों की कटाई के बाद बीजों से अच्छी गुणवत्ता का बीज किसानों को कैसे मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि हम कटाई के बाद बीजों को प्रसाधन केंद्र पर ले जा कर के उनका प्रसाधन करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले जो बीज प्रसाधन केंद्र पर लाए जाते हैं उनका नमी की मात्रा का जांच किया जाता है। अगर बीज में नमी की मात्रा मानक स्तरों से अधिक है तो पहले उनको अच्छी प्रकार से सुखाया जाता है। सुखाने के लिए पक्के फर्श या त्रिपाल, साफ स्वच्छ त्रिपालों का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर भारत में गेहूं और दूसरी जो रबी की फसलें हैं जिनका उच्च तापक्रम पे वो पकती हैं और उनकी कटाई होती है, और ये एक बड़ा लाभ है उत्तर भारत में किसानों को या बीज उत्पादन करने वाली कंपनियों को कि उनका जो बीजों को सुखाने का कार्य है वो सूरज की रोशनी के द्वारा किया जा सकता है। जैसे ही बीज उनमें नमी की मात्रा निर्धारक मानकों के स्तर पर पहुंच जाती है या उससे कम होती है, ऐसी अवस्था पर बीजों का प्रसंस्करण किया जाता है। प्रसंस्करण के दौरान बीजों को कई मशीनों के माध्यम से गुजारा जाता है। पहली जो मशीन होती है वो कहलाती है बीजों से उनकी सफाई करने का कार्य करती है, प्री क्लीनिंग मशीन बोलते हैं। इस मशीन में जो फसलों के अवशेष हैं, धूल है, मिट्टी है या अन्य कोई आपत्तिजनक चीज़ें हैं, उनको बीजों से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद बीजों का मुख्य मशीन के ऊपर आकार के आधार पर उसका प्रसंस्करण किया जाता है और जो बीज हमको मिलता है उसको हम साफ स्वच्छ बोरों में वजन के अनुरूप भर लिया जाता है और जो अंडर साइज सीड होते हैं उनको बीज से अलग कर दिया जाता है। और इस प्रकार से जो प्रसंस्करण की प्रक्रिया पूर्ण होने पे बीज के अंदर से नमूने लिए जाते हैं, उन नमूनों को लेकर के बीज प्रशिक्षण प्रयोग परीक्षण प्रयोगशालाओं में जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संभाग पर स्थित परीक्षण प्रयोगशाला है उस पर नमूनों को भेजा जाता है। और नमूनों का जो आकार होता है वो फसल विशेष पर अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर गेहूं की जो बीज फसल है उसमें जो बीज का लोट होता है उसकी एक लोट की जो मात्रा है अधिकतम 200 क्विंटल तक ली जाती है। और एक जो हमारा लोट होता है जैसे कि 200 क्विंटल में से एक नमूना लिया जाता है और उसमें से नमूने के तौर पर जो हमारे बोरे हैं बीज के, जो बोरे हमने जिनका प्रसंस्करण करके भरा है उनमें से एक उनका प्रतिनिधि सैंपल लिया जाता है और एक किलोग्राम मात्रा में उसको वजन के रूप में लिया जाता है। इसके बाद नमूने को प्रयोगशाला में उसकी भौतिक शुद्धता के लिए, अंकुरण के लिए और बीज स्वास्थ्य के जो हमारे नियम हैं उनके लिए उनको वहाँ भेज दिया जाता है।
बीज की बुआई पूरी तरह से मौसम पर निर्भर है। यूं भी खेती मौसम का जुआ कहलाई जाती है। बादल बरसे तो पौ बारे, ना बरसे तो सब गुड़ गोबर। मगर किसानों के हित के लिए मौसम वैज्ञानिक आ जुड़े हैं और आ जुड़े हैं इनसे जुड़े हुए कितने ही यंत्र। ये यंत्र समय रहते मौसम की जानकारी देते हैं और साथ ही देते हैं सजगता कि किसान किसी भी प्रकार की व्याधि कीटों से बचाव के लिए क्या कुछ कर सकता है। ये मौसम से जुड़े हुए उपकरण ही हैं जो किसान की पूरी तरह से मदद करते हैं। आजकल हमारा विज्ञान काफ़ी विकसित हो गया है। पहले जो वर्षा के जो होता वर्षा होती थी या पाला पड़ता था या दूसरे होते थे वो हमें पता नहीं लगता था। अभी जो है इतना हमारे जो सुपर कंप्यूटर हैं, हमारे पास दूसरे मॉडल हैं, उनसे हम जो हमारा जो IMD जो हमारा IMD वाला विभाग है, जो मौसम विज्ञान विभाग है हमारा भारत सरकार का, वो काफ़ी सटीक, काफ़ी सही और काफ़ी अनुमानित अनुमान हमको दे देता है पहले ही 5 दिन पहले। जैसे कि हमारे पास हर मंगलवार और शुक्रवार को हमारे पास अगले 5 दिन में कितनी बारिश होने वाली है, कितना तापमान रहने वाला है, कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होने वाली है, पाला आने वाला, ओले आने वाले या भारी बारिश होने वाली है, इस सब का अनुमान हमको भेज देता है। और हमारा जो पूसा संस्थान है, इसमें हमने एक टीम बनाई हुई है वैज्ञानिकों की। वो टीम उस सभी जो जितना भी हमारे पास जो प्रिडिक्शन जो अनुमान आता है IMD से, उसके ऊपर चर्चा करके हम सभी किसानों के लिए एक एग्रोएडवाइज तैयार करते और वो किसानों को हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है, हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। और दूसरे जो हम जो बहुत अच्छी काफ़ी किसान हैं जिनके पास इंटरनेट है तो इंटरनेट से देख सकते हैं। हम पेपर में भी देते हैं और SMS हम भेजते हैं और अलर्ट जारी करते हैं। जैसे पाला आने वाला तो पाले का हम पहले से बता देते हैं और हम कुछ किसानों को जो किसान चाहे उनके हमने रेन गेज भी दे रखे ताकि वो वर्षा का अनुमान उनको हो जाए। और अभी प्रत्येक जिले में हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं और बहुत सारे भी और दूसरे संस्थान इस तरह के जैसे स्कूल वगैरह, उनमें मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी होती है जो कि वायु और तापमान और वर्षा का सब अनुमान लगाती हैं। हमारे जो ब्लॉक स्तर पर भी जो कि सरकार ने जो रेन गेज वगैरह लगा रखे हैं, तो किसानों को चाहिए कि मौसम का अच्छे से जानकारी कर लें और कृषि विज्ञान केंद्र से हमेशा संपर्क बनाए रखें। कृषि विज्ञान केंद्र में भी ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। और IMD ने 130 सभी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें अपने सेंटर खोले हुए हैं। तो आपके पास अगर कृषि विज्ञान केंद्र हो, कोई आपकी कृषि यूनिवर्सिटी हो, तो वहाँ से आप संपर्क करिएगा और उनसे आने वाले मौसम के विषय में जानकारी ले लीजिएगा। दूर दूर तक फलों से लदे ये पेड़, तो वहीं विभिन्नता लिए सब्जियों के ये खेत किसान की मेहनत के गवाह हैं, प्रमाण है उसके खून पसीने की गाढ़ी कमाई के। फलों का राजा आम, त्रिवेणी धारा से सिंचित इलाहाबादी अमरूद, रस से सराबोर अंगूर के ये गुच्छे, ऊंची ऊंची पहाड़ियों की घाटी और ठंडक की थपथपाहट लिए लाल और सुनहरी काया वाले सेब, रेगिस्तानी धरती में भी मिठास लिए किन्नो, तो कहीं मौसमी कहीं संतरा। गरज ये कि इस देश में कितने ही फल स्वाद स्वास्थ्य और आय का आधार बने हुए हैं। बात भोजन की कीजिए तो रोटी दाल के अलावा सब्जी का साथ, वाह क्या बात है। आंख मटकाती हरी काया लिए मटर, लालमा लिए टमाटर, हरियाली की चादर सी ओढ़े हरी सब्जियां, सलाद स्वाद का साथ प्याज के साथ, इस पर हर सब्जी का जोड़ीदार आलू। पर ठहरिए, सोचिए, समझिए, क्या हम फल और सब्जियों का जो उत्पादन लेते हैं उसका पूरा प्रयोग कर पाते हैं? क्या किसान और बागवान अपनी मेहनत का पूरा मूल्य ले पाते हैं? निश्चित तौर पर कतई नहीं। गौरव की बात है कि भारत विश्व में फलों और सब्जियों के प्रमुख उत्पादक देशों में एक है, मगर वहीं दुखद पहलू ये भी है कि प्रतिवर्ष संपूर्ण फल सब्जी उत्पादन का 20-30% भाग उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते नष्ट हो जाता है, यानी किसान की मेहनत बर्बादी की राह पकड़ लेती है। विश्व स्तर में देखा गया है फल या सब्जी का जो प्रोडक्शन है भारत में ये
विश्व में द्वितीय स्थान है। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन के बावजूद भी इसका जो कटाई उपरांत जो लॉस होता है ये देखा गया है बहुत भारी मात्रा में होता है, और ये लॉस को कम करने के लिए एकमात्र उपाय है इसका मूल्यवर्धन या प्रसंस्करण। फल या सब्जी को मूल्यवर्धन करके या प्रसंस्करण करके कैसे किसानों के ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाभ पहुंचा सकता है और इसके लिए क्या क्या मशीनरी का ज़रूरत है। इसके लिए जैसे आज का जो फसल का मौसम है मैंगो या कि आम बहुत भारी मात्रा में मार्केट में आ रहे हैं, तो ये मैंगो जो है कुछ देर के बाद ये बहुत जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसको ख़राब ना करके इसको प्रसंस्करण के लिए जैसे पहले कि इससे पल्प निकल के गुद्दा निकाल के इसको कैनिंग में कर सकता है या तो बोतल में बंद करके इसको साल भर तक रख सकता है। इसके लिए आपको चाहिए एक पल्पर मशीन, जो पल्पर मशीन दिल्ली में ये सारे छोटे शहर में भी उपलब्ध है। इसका कीमत करीब 20 से 30 हज़ार रुपया होगा। ये पल्प करने के बाद या गुद्दा निकलने के बाद इसको आप दो तरह का से इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ऐसे कि ये जिसको बोलता है हीट प्रोसेसिंग बगैर कुछ केमिकल के वजह से भी लगा के भी कर सकते हैं, या तो इसको केमिकल लगा के जैसे क्लास टू केमिकल प्रिजर्वेटिव है जैसे किया है KMS और सोडियम बेंजोइड, ये सब डाल के भी आप इसको साल भर तक प्रसंस्करण करके रख सकते हैं। इससे क्या किसानों के भी छोटे छोटे किसानों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सकता है। पल्प करने के बाद ये पल्प होगा एक बेसिक मटेरियल जिससे कि आप इसे पेय पदार्थ जैसे कि रेडी टू सर्व ड्रिंक बना सकता है या तो नेक्टर बना सकता है या आम पापड़ बना सकता है। जैसे इसके लिए आपको चाहिए क्या एक कैबिनेट ड्रायर, जो कैबिनेट ड्रायर जो है आप देख रहे हैं इसमें एक ट्रे होता है और छोटे कम तापमान में जैसे 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर में इसको सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद इसको पैकेजिंग के लिए या तो आप सिंपल पैकेजिंग मशीन यूज़ कर सकता है या तो हाथ में जो आप जो पॉलीथिलीन जो पैकेजिंग है वो मैनुअल पैकेजिंग में भी कर सकता है। ये तो हो गया आम के बाद। इसके बाद अभी सीज़न आ रहा है जामुन के। जामुन एक ऐसे फल है जो कि कुछ ही दिनों में 2-3 दिन के ज़्यादा ये नहीं रह सकता है, इसके तुरंत इसको ख़राब हो जाता है। तो इसको प्रसंस्करण के लिए बड़ा अच्छा उपाय है जो कि एक आपको फ्रूट ग्रेटर चाहिए, जिस ग्रेटर में इसको गुद्दा निकाल के उसके बाद एक हाइड्रोलिक प्रेस है जिससे आप ये जामुन का जूस निकाल के ये जूस को भी आप बोतल में बंद कर सकते हैं, और इससे भी आप क्लास टू प्रिजर्वेटिव देके या तो हीट प्रोसेसिंग करके बगैर प्रिजर्वेटिव भी रख सकते हैं। जामुन आपको पता है जे ये डायबिटिक जो है जो मधुमेह बीमारी में जो मतलब जो मधुमेह बीमारी में ये पीड़ित है उसके लिए भी बहुत बहुत ही मतलब लाभदायक है। इसीलिए ये जामुन एक ऐसे फल है जिसको केवल मात्र 1 महीने के लिए उपलब्ध है और इसको आप साल भर तक रख सकते हैं, और इससे बहुत अच्छा किसान भाइयों को लाभ उठा सकता है। ये तो इसके बाद आप जो आंवला जो आता है, ज़्यादातर देखा गया है जो आंवला तुराई के बाद जो मार्केट में ले जाता है, ले जाने के लिए आपको करीब 7-8 रुपया खर्चा हो जाता है और मंडी में करीब 10 रुपया किलो आंवला भाव मिलता है, तो किसानों का करीब 2 रुपया प्रति किलो लाभ होता है अगर वो फ्रेश मार्केटिंग करे। अगर फ्रेश मार्केटिंग ना करके इसको मूल्यवर्धन करके जैसे इसको सुखा के या तो इससे कैंडी बना के अगर बेचा जाए तो किसानों को करीब 200 से 300% लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए भी बहुत छोटा छोटा सामान की ज़रूरत है, जैसे कि आपका गैस सिलेंडर, जैसे ओवन है आपको चाहिए, इसके लिए पतीला चाहिए और एक ड्रायर चाहिए, कैबिनेट ड्रायर चाहिए जिसमें कि आप बढ़िया से बढ़िया आंवला कैंडी बना सकते हैं। जो आंवला कैंडी बाज़ार में करीब 200 से लेके 400 रुपया तक किलो बेच सकता है। तो ये है कुछ मुद्दा जिसके बारे में आपको बताया, जो छोटे छोटे मशीन खरीद के और उससे आप किसान बहुत ही मतलब लाभ उठा सकते हैं, इतना फल सब्जी को नष्ट होने से बचा सकते हैं। आज किसान के परिवार में पशुधन एक महत्वपूर्ण साथी बनकर उभरा है, और निश्चित तौर पर पशुधन स्वस्थ होगा तो किसान भाई को भरपूर उत्पादन भी मिलेगा।
पशुधन के आहार की दिशा में किसानों ने महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, लेकिन यहाँ भी मशीनें उसकी साथी हैं। मशीनों द्वारा किसान के लिए एक तरीके से देखा जाए तो वो वरदान मिलता है जो कि वो पशुधन को अच्छा चारा तैयार कर सके और अच्छा चारा देने के बाद उसके स्वास्थ्य का सही तौर पर ध्यान रख सके। यहाँ भी मशीनें साथ देती हैं किसान का और साथ देती हैं उस परिवार का जो पशुओं को पाल रहा है। पूसा फीड ब्लॉक मशीन पशु के चारे के ब्लॉक बनाने हेतु काम आती है। इसका मुख्य उद्देश्य भंडारण, संवहन एवं रखरखाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पूसा फीड ब्लॉक मशीन तीन टाइप की होती है। इसमें बड़ी वाली मशीन की क्षमता 250 केजी पर आवर जो कि 80 ब्लॉक प्रति घंटा क्षमता है। दूसरी इसे छोटी कम लागत वाली है जो 30 से 40 ब्लॉक प्रति घंटा ब्लॉक्स बनाती है। और तीसरी जो मोबाइल फीड ब्लॉक मशीन है जो कि खेत खलिहान में हम जहां ज़रूरी है वहां जाके फीड ब्लॉक बना सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये पशु के चारे का आकार कम करा के उस 5 से 6 गुना कम करा के हम उसके भंडारण के लिए कर सकते हैं। अगर जहां पशु के चारे की कमतरता है वहां हम ये चारे के ब्लॉक्स लेके हम भिजवा सकते हैं कम साइज़ में, जिससे कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट की कीमत है वो कम होती है। मेरी हमेशा यही किसानों से गुजारिश होती है कि किसी कृषि से संबंधित नवीनतम जो यंत्र हैं, कृषि औजार हैं, उपकरण हैं, उनको वो अवश्य उपयोग में लाएं और समय समय पर इन औजारों से परिचित कराने के लिए किसान भाइयों के लिए कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं उनके द्वारा और केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिल करके कृषि मेलों का आयोजन किया जाता है। बड़े बड़े कृषि मेलों में इन औजारों को प्रदर्शित किया जाता है, इनको चला करके किसानों को दिखाया जाता है, जिससे वो उनको ठीक से उपयोग में ला सकें और अपने कम लागत से, कम मेहनत से, कम मजदूरों से अपनी जो कृषि है उसको ज़्यादा लाभकारी बना सकें। बात यही नहीं थमती। मशीनों ने आज एक क्रांति कर दिखाई है और सच पूछिए तो भारतीय कृषि में मशीनों का एक क्रांतिकारी अध्याय आ जुड़ा है। मशीनों के दम पर आज किसान कितने ही कार्य पूरे करने में तत्पर रहता है, तो वहीं दूसरी ओर मशीनों के द्वारा मानव श्रम को बचाया जा सकता है और कम समय में अधिक काम हो सकता है। यही नहीं, मशीनों के साथ गुणवत्ता की गारंटी भी है। मशीनें मानव का रूप है। मानव आज मशीन भले ही बन गया हो, लेकिन मशीन को मानव बनाना बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये अवश्य कहा जा सकता है कि मशीनें मानव के साथी बनकर उसके कंधे से कंधा मिलाकर आ खड़ी हुई हैं और कृषि क्षेत्र में मशीनों का विशेष योगदान उभर कर सामने आया है। तो देखा आपने कि किस तरीके से मशीनें और उपकरण कृषि में आपके साथी बने हुए हैं। ये साथी आपका पूरा साथ निभा सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आप जागरूकता दिखाएं, क्योंकि सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनके द्वारा आप सस्ते ऋण लेकर के मशीनें खरीद सकते हैं। ये मशीनें आपको एक तरीके से देखा जाए तो आपकी अपनी हो सकती हैं और बहुत सी मशीनें ऐसी होती हैं जिनके दाम अधिक होते हैं, तो उनको आप सहकारिता स्तर पर खरीद सकते हैं। यानी कि गांव के कुछ लोग मिलकर के मशीनें खरीद लें और हर किसी के प्रयोग में आने वाली मशीन हर कोई प्रयोग करे और उससे होगा ये कि आपको उसका किराया भी मिलेगा और उस तरीके से मशीन की जो पूरी कीमत है वो निकल आएगी। तो अपनी सजगता दिखाइए और कृषि के उपकरण और मशीनों को खरीद करके अपनी खेती को नया रूप दीजिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, हम अवश्य जानना चाहेंगे आपकी प्रतिक्रियाएं और ये भी जानना चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम में क्या कुछ और चाहते हैं। तो सबसे पहले तो कागज़ और कलम उठाइए और लिख डालिए हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 801, दूरदर्शन भवन फेज 2, कॉपर निकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। तो ये तो थी हमारी आज की पेशकश। हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। जय जय कृषि परिषद भारत की, सुखद प्रतीक हरित भारत की, कृषि धन पशु धन मानव जीवन दो
श्यामला छवि भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट तक, मरुधरती से पूर्वोत्तर तक, हर पथ पर है मित्र कृषक की, शिक्षा शोध प्रसार सकल तक, आशा स्वावलंबित भारत की। जय जय कृषि परिषद भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की।